नमस्कार दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ आज चने की दाल की खिचड़ी। देखिए, खड़ी खड़ी खिचड़ी बनाऊंगी दाल की। ये देखिए, मैंने चार प्याज जो है लंबे लंबे काट लिए हैं, अच्छे से छील के धोकर इसको काट लिया है। ऐसे ही मैंने चार टमाटर जो है थोड़ा घिस लिए हैं, इस तरीके से मैंने बिल्कुल मैश कर लिया है। और ये मैंने चने की दाल जो है एक कटोरी ली थी, इसको मैंने भिगो दिया था। देखिए, ये फूल गई है चने की दाल, तो इसको एक घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। एक ही कटोरी मैंने लिया है चावल, और चाहिए मुझे मसाले। एक कड़छी मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर ये मैंने ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। एक चम्मच मैं डाल दूंगी इसके अंदर जीरा, और इसको मैं हल्का गुलाबी कर लूंगी। जी, मेरा जीरा जो है भुन गया है, अच्छे से पिंक हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज, प्याज को भी मैं हल्का पिंक कर लूँगी, भून लूँगी अच्छे से। बीच बीच में हमें ऐसे चलाना पड़ेगा प्याज, इस तरीके से। मेरा प्याज जो है हल्का पिंक होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी देर में इसको और भूनूंगी प्याज को। मेरा प्याज जो है होने वाला है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दो चम्मच नमक, ये वाले छोटे दो चम्मच मेरे नमक इसमें चले जाएंगे, और नमक को भी इसमें मिक्स कर दूंगी मैं कि मेरा प्याज जो है हो गया है पिंक। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, इनको भी अच्छे से इसमें भून लूंगी मैं, टमाटर को भी अच्छे से पका लूंगी। तो टमाटर भी अच्छे से इसमें हो गया है, पक गया है। तो देखिए, अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और ये मैंने मिक्स कर दी है हल्दी इसके अंदर। अब मैं डाल दूंगी लाल मिर्च, आधा चम्मच मेरी लाल मिर्च चली जाएगी इसके अंदर, और 1/4 चम्मच मेरा चला जाएगी इसमें काली मिर्च। इनको सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। देखिए, अच्छे से मैंने मसाले को इसमें मिक्स, मसाला जो है हो गया है। एक कटोरी पानी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें दाल, ये मैंने दाल इसमें डाल दी है, इसको भी मिक्स कर दूंगी मसाले में अच्छे से। देखिए, चने की दाल को मैंने थोड़ा सी देर ढक के पका लिया है। ये देखिए, मेरी उबल रही है चने की दाल, ठीक है ना, ये थोड़ी हो गई है दाल। अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल, ये मैंने एक कटोरी चावल लिए थे, इनको अच्छे से 5-7 पानी में धो लिया है, और अब इनको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। चावल भी मेरे इसमें मिक्स हो गए हैं अच्छे से। एक कटोरी मेरा पानी पहले चला गया था, अब एक कटोरी मैं पानी और डाल दूंगी इसके अंदर। मेरा कम से कम 4 कटोरी पानी इसमें डल जाएगा चावल में। मैंने इसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया है, ये देखिए। अब मैं इसको ऊपर से सीटी मरवा दूंगी, ढक्कन लगा दूंगी इसका। ये चावल जो हो चुके हैं, खिचड़ी जो है मेरी रेडी हो चुकी है, इसकी मैं गैस निकाल दूंगी। ये मैंने गैस निकाल दी है, मैं इसका ढक्कन खोल दूंगी। ये देखिए, कितना अच्छा कलर आया है, एकदम पक गई है मेरी खिचड़ी अच्छे से बन गई है मेरी खिचड़ी। मेरी खिचड़ी रेडी हो गई है, अब मैं इसको प्लेट में सजा रही हूँ इस तरीके से। ये मैंने प्लेट में डाल दी है खिचड़ी। इसके साथ में रखूंगी दही, साथ में रखूंगी चम्मच। ये देखिए, मैंने जो खिचड़ी है, चावल की खिचड़ी है, बहुत अच्छी बनी है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। साथ में मैंने दही रखा है और चम्मच रखा है। जे आप लोगों को मेरे चने की दाल की खिचड़ी पसंद आया, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट जरूर डालिएगा।